Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to another day, another vlog and another video. आज संडे है तो संडे को चर्च भी जाना होता है. दो हफ्तों से हम लोग जा नहीं रहे, पता नहीं हम लोग क्यों इतना लाइक आलसी हुए हैं. सो आज मदर्स डे भी है तो इसलिए आज थोड़ा स्पेशल होगा. तो आज तो हमने जाने जाना है और फिर हमारे शाम के अलग प्लान्स हैं. अभी जो है हमने सोचा है कि आज हम मदर्स डे पर मदर्स है चर्च और ये सब जो है रेडी हो गई हैं. ये लड़कियां, ये लड़का भी है, ये भी, और ये सब हो गए हैं रेडी. मैं भी रेडी हूँ, बस मैंने दुपट्टा लेना है और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है. मम्मा भी रेडी हो गई हैं. मम्मा मॉइस्चराइजर आज तो वाह भाई वाह ब्लू पहना हुआ है. अच्छा हमने जो है क्या उसको कहते हैं, मम्मा रात को सो गई थी तो इस वजह से मम्मा को विश ही नहीं कर पाए और हमने फिर सुबह सुबह सब उठ के विश किया. तो ये है हैप्पी मदर्स डे. थैंक यू. देखो इन सब ने सुबह में उठ के कर दिया था. रात को आप सो गई थी यार? हाँ मैं सो गई थी. मैं तो उठा के किया था, पूछो. उठा के मम्मा उठी नहीं तो तूने उठा के कर लिया. आप भी सो गए थे. मुझे ज्यादा लूज था ना उसको, बिल्कुल सही. ये देखो तैयार ऐसे हो के नाच रही है, तो पता नहीं शादी में जा रहा है. उम्र में भी नया सूट पहना है. मम्मा ने भी नया सूट पहना है. आगे जरा ऐसे पलट के दिखा दो. लाइटें नीचे नीचे लग रहे हैं. चलो यार चलो जल्दी. आगे मुझे बातें सुना रहे थे, अब कोई नहीं आ रहा बाहर. चलो आजा मामी शाजिया. आजा शाजिया. नहीं जा रही. बस सही. तू भी कुछ दूसरा ये जुबानी बोलना, ये आज के बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करना. पहले तो मैं टीचर्स ब्रदर जी भी दे रहे हैं तो आप ब्रदर जी से भी ले सकते हैं. ऊपर चार नंबर गली वाले ऊपर से ले सकते हैं. सिर्फ माएं आए और ये सरप्राइज हासिल करें. फादर ने मैचिंग दी मैचिंग सूट के साथ. मैचिंग बोल रहे थे. हाँ कह रहे आपके सूट के साथ. आपको कौन से मिले? मान शाजिया एंड अम्मा के मान शाजिया के. माँ को ये सरप्राइज ये बुंदे मिले, ये पहन के लाई का अगले बार और शाम को. अच्छा वो 70-80 साल की जो बुजुर्ग माँ है वो फादर जी के साथ आए वो केक काटे. शाम को बुंदे भी चलो
खत्म हो गए। आपकी रो रही, आपकी औलाद कितनी बुरी। पर शादी कोई ताने की नहीं है इस जमाने। अभी अम्मा, अभी अम्मा का वॉलेट चोरी हो जाना था रोने के चक्कर में। पपड़ी को लगता है एडम से चलो 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 हम तो मेरी मर्डर मैं चलने से ही मतलब कि निम्को चीज़ इसकी अक्का का निम्को पसंद है। ये मुझे निम्को पसंद है, चॉकलेट मैं खाती पर इतने शौक से नहीं खाती। लेकिन उसने दिए, उसने दिए हैं पर मैं खा लूंगी थोड़ी सी थोड़ी उनको। चलो दोबारा गले मिल दे जाओ। हाँ जो दोबारा से गले मिल जो थैंक यू बेहतर है। अगर चेंज कराना होगा तो आज उधर ही जा रहे हैं, उधर से करा ले। नहीं नहीं चेंज नहीं कराना अम्मा ने, अम्मा का कटिंग वटिंग करनी पड़ेगी। सही कह रही, चाक वगैरह जो अम्मा बनवाती है। थैंक यू भाई। दीदी मम्मा को देख बना दो, दीदी वो कहाँ है? तो तुम लोग बना दो, मैं ब्लॉग बना लूंगी ना। चलो अच्छे भाई, मैंने ये यहाँ पे रखी थी पहले जो इन्होंने इसके पीछे छुपाई हुई थी पर्दे, नहीं पर्दे के पीछे इन्होंने छुपाई हुई थी, इसलिए ये तुम लोगों ने रात में फ्रिज में रखे थे ठंडे हो। तो मम्मा को बता दे, सबको बनाएंगे, तू बस दो है ना, एक मामी शुगर शादी को बना दे। ये नहीं नहीं मुझे नहीं पहना, बड़ी बड़ी को पहना, आपको तो भी ना पहना। ये रहे कौन से? नहीं नहीं तुम लोग दो, मैं पकड़ती हूँ ना, जाओ। ओ कोई बात नहीं, क्या हो गया? तुम लोग नहीं दिया, मैंने दिया, बात तो एक ही, सब नहीं दिया तो मैंने पर आप। चलो सारे जाओ, आज जो सारे पिक्चर बनाती तेरी चीज ये ना, इसको इसको इतनी खाने पीने की चीजें ज्यादा, देखो सारे इसके फेवरेट, और कोल्ड ड्रिंक भी सारी चिप्स ही है, सारी मेरी पसंद, और मुझे कॉफी पसंद है, मेरी बेटी ने सारी कॉफी है, कॉफी सारी दी है, ड्राई दूसरी। अम्मा आप भी आओ, सबकी अम्मा भी चीजें खाती है ना, ये देखो बेटी अम्मा के हाथ से नींबू है, तू भी अपने वाला ले आ। क्या जो मैंने मम्मा को गिफ्ट किया ग्रीन था, वो मैंने भी किया था थोड़ा। मम्मा आपके साथ मैं पिक्चर खींच लूं, ये गिफ्ट की फिर मैं जी आ रहा हूँ। बड़ी होंगी आपको एक बैग दूंगी गुच्ची का, और एक शनेल का, एक नहीं एक सूट दूंगी, करवा ले जलील करवा, करो मम्मा इसको करो, दो मिनट गिफ्ट दिया पहले ऊपर ऊपर आपकी सारी मतलब की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक ऐसे सिर्फ
सिर्फ ऐसे कर एक सेकंड ऊपर नहीं तो सही कर लेना यार पिक्चर की तो ऐसा लाइट है ना जिसकी वजह से ना वो मैं कहीं देता हूं ना तो सही है मेरी मिल्खा नहीं ये खानी है बहुत आज ऑप्शन है मुझे पता है यही मम्मा को चीजें पसंद आती थी शराब पी रहे हाँ दोपहर में पुलाव बना लेते शाम में तुमने आउटिंग पे जाना ही है तो फिर वहाँ का हर शाम रात का भी हो जाएगा वहाँ पे ही खाना वाना खा ले ये वो बंदी है जो अपनी माँ से जिद करके नाराज होके गिफ्ट दिलवा रही है बोली जैनी का गिफ्ट मुझे खरीद के दो मैंने आपको दिया ये कैसा गिफ्ट सही से प्रॉपर तीन चार वीडियोस बना लेगा इतनी वीडियोस बनाओ कि मेमोरी फुल हो जाए और ये खुद तंग आ जाए और किसी बड़े से फोटोग्राफर को बुलाओ सही शूट करो फोटोशूट प्रॉपर कराओ इसका गिफ्ट करा दे चल जा अब खरीद ले जैनी से गिफ्ट बोलती मैं जैनी से गिफ्ट खरीद के अपनी मम्मा को देना बोलती वो क्या उसके पड़े पड़े क्या वो पैदा हो जाएगा नया हो जाएगा मुझे नया गिफ्ट दे चलो आप भी अपनी चीजें खा लो अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी मैंने निम्को खाया और वो भी मेरे पड़े हुए निम्को में और तैयारी करते हैं कपड़े वपड़े निकालो हाँ अपने पार्क के लिए उसके हिस्से मेरे नहीं आप अपने और मम्मा के मतलब मेरे नहीं है बाकी तुम लोगों के स्त्री बड़े तुम लोग तेज हो यार चलो अब हम लोग फटाफट तैयारी करते हैं ये जो है कबीर के लिए गिफ्ट है सीधे दिखाया जाए महरून का लेट की शर्ट है और वो है हम सब की तरफ से है ना तो कबड्डी को क्योंकि उन्होंने घर आके दिया था तो मम्मा बोलिए अभी दिया था कि हम लोग भी अक्का के घर जाए एग्जैक्ट ये जो है जा रही है ये दोनों मैडम देने जाओ दे नहीं मैं नहीं जा रही मैं कपड़े काम वगैरह कर दूंगी ना मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर तुम तीनों जाओ चलो तू इलाइजा और सूजी गाइस हमने जो है खाना वाना खा लिया है और अब जो है तैयार होने वाले हैं क्योंकि तैयार होने लगे हैं क्योंकि 2 घंटे रह गए निकलने में और हमने कहा जल्दी जल्दी रेडी हो जाए आपको पता है हमारे घर में लेडीज़ भी बहुत सारी हैं तो तैयार होने में भी काफ़ी टाइम लगता है सो इधर जो है मैंने अपनी स्किन को अच्छे से वो कर लिया है क्या उसको कहते हैं प्रेप कर लिया है इसके बाद जल्दी जल्दी से करते हैं मेकअप मेकअप के बाद जो है यार उठ के सो नहीं रही मेरे सर में दर्द हो तो फिर मतलब आज आप नहीं जा रही मैं जाऊंगी गोली खाकर बड़ी तेज कोई घूमने फिरने का मौका चांस नहीं जाना मुझे बहुत पसंद है घूमना आपको बहुत पसंद है शुरू से मतलब पैदा होते ही करनी जाती ज्यादा कोई घूमे इसीलिए मामू आपको सही घुमाते हैं इसलिए घूम गई जब भी दिल करता है जहाँ भी दिल करता है इनको ले जाते हैं सो अभी जो है पहले करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी से करते हैं मेकअप और फिर लाइट आएगी उसके बाद जो हमने निकलना है 10-15 मिनट पे आराम से सब बाल को स्ट्रेट करेंगे और निकल जाएंगे पता नहीं जब भी कहीं जाना हो कुछ भी हो तो ये अजीब सा पिंपल निकल आता है पता नहीं क्यों सो जल्दी जल्दी से होते हैं रेडी स्टेज सो अभी जो है मैं रेडी हो गई हूँ मैं बस रेडी हुई हूँ बाकी और कौन कौन हुआ है हाँ ये गैबो भी हो ही गया मतलब ऑलमोस्ट इसके बाल वगैरह जो हैं रह गए थे तो मैंने कहा ये हो जाए फिर मैं दिखाऊंगी लेकिन अब मैंने कहा चलो दिखाई दे तो इसके बाल सूजी स्ट्रेट करी है सूजी के ये करेगी तो मेरे भी सूजी ने किए हैं लेकिन मैंने जो है नीचे से थोड़ा सा अपने बालों को ना थोड़ा कर्व राउंड में घुमा दिया है मैंने कहा हर वक्त स्ट्रेट करके ना बंदा बोर हो जाता है सो इसको जो है मैंने थोड़ा सा ऐसे राउंड राउंड से शेप दिखा दिया
थोड़ा सा मैंने इसको यूज करके लगे कि मेरा कट हुआ जबकि हुआ नहीं है। और ये मम्मा ऐशु को बहुत हमेशा प्रॉब्लम होती है, मुझे ये चीज़ ना लगाओ वो चीज़ ना लगाओ, तो मम्मा जो है इसे पूछ पूछ के ऐशु ये लगा लें ये लगा लें। अब जो है मम्मा ऐशु को तैयार कर लें और सूजी भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, जैबू भी तैयार है, उसके बाद उनकी मम्मा रह गई। हम लोग कपड़े वगैरह चेंज करेंगे देन हम लोग निकलेंगे। आज जो है हम लोग डिनर बाहर ही करेंगे है ना। ऐशु बहुत टोकती है इस वजह से है ना, ऐशु के मेकअप में टाइम भी ज़्यादा लगता है, मुझे ये नहीं ये लगाना है ये नहीं ये लगाना है। हम सारी बहनों में से ज़्यादा ऐशु के नखरे हैं, जितना ज़्यादा सिंपल सिंपल बनती है नखरे भी उतने इसके। और ये जी चलो अब इसकी बारी, चलो अब आपने करना है। अच्छा मामी कपड़े प्रेस कर रही है ना। हम सारी बहनों के बाल मतलब इतने स्ट्रेट हैं कि थोड़े से भी स्ट्रेट करो ना तो वो ऐसे लगते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा डेड स्ट्रेट किए है ना। मम्मा के बाउंसी है, मम्मा के आंखों के नीचे, मम्मा के और ऐशु के एक जैसे बाल है, मम्मा रेशु के एक जैसे बाल है, मेरे सूजी के और गैबो के एक जैसे बाल है। सो अभी जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं एंड देन फिर निकलते हैं। तो ये सब हो गए हैं रेडी, गैबो भी हो गई है रेडी, कपड़े वपड़े इन्होंने चेंज कर लिए हैं। सूजी तू हो गई है रेडी दिखा, सूजी भी, सूजी और गैबो ने लगता है आज मैचिंग की है। सो ये सब हो गए हैं जो है, मम्मा भी रेडी हो गई हैं, जरा दिखाना। ब्लू पहना, सुबह में भी ब्लू पहना था, रात में भी ब्लू पहना। मम्मा के इस बार ब्लू ब्लू ज्यादा हो गए इसलिए मम्मा ने ब्लू पहन लिया। मम्मा को ब्लू पता नहीं क्यों आजकल पसंद आ रहा है कलर, तो इसलिए ये ब्लू ड्रेस मम्मा का हो गया। और मैंने जो है ऑफ वाइट और कुछ वाइट सा ये कहाँ का है, सफायर का, ये कल आई थी इसकी शर्ट। और सूजी ने जो है लाइट का पहना हुआ है और मैंने जो है एक्रिलिक का पहना हुआ है, कुछ ऐसे ही कितना बोलता है यार, कुछ ऐसा है मेरा। ओके डान माई चप्पलें हर वक्त ऐसी है, कुछ शर्ट मेरी ये इसके ऊपर बटन ये लगे हैं, मेरा हम लोग निकलने लगे हैं। ये मूसा नहीं जा रहा, मूसा तू नहीं जा रहा, बस और तो कब तूने जाते हुए दिखते आ रोना, बस गेम खत्म, बस गेम खत्म, बस गेम खत्म, चल उठ फिर जाते हुए इन लोग के मसले। आप हो गई हो रेडी, मामी ने भी आज हम सब नहीं हो गई, मामी ने और मैंने लाइट लाइट सा पहना हुआ है ना, मामी ने भी लाइट कलर पहना क्या, हाँ तैयार तैयार भी लाइट हुए हैं और कलर भी लाइट। जल्दी जल्दी यार मेरी भी जूती निकाल लो, मेरा जो है मेकअप वगैरह सारा कुछ डन हो गया है। और अब जो है बस हम निकलेंगे, अक्का बड़ी लोग का वेट कर रहे हैं, देखो वो कब तक आते हैं, सो फिर हम लोग निकलते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, चलो और मम्मा भी रेडी हो गई है। इतनी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है, लो पता नहीं पागल ही है। सो अभी जो है अपनी चीजें वगैरह रखते, मेरा पावर बैंक लेकर आना, उधर से मुझे जरूरत पड़ी। कबड्डी लोग आते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं। मम्मा सॉक्स कहाँ हैं?
एक तो कबड्डी लोग इतनी देर लगाते हैं, दो लोग हाँ चर्च जाते हुए दो लोग हैं, इतना तैयार होने में वो करते हैं लेट। ये सब अलग मैं नहीं नहीं इसमें रखते अक्का से बात हो रही है, अक्का को बोल रहे हैं कि यार जल्दी कर लो निकल लो, हमने जो है वापस भी आना, 9 बजे बंद हो जाते, अगर 8 बजे जाओगे 1 घंटे में ये लोग सही तबाही मचाएंगे, गुस्सा भी करेंगे। चलो आओ जल्दी जल्दी। सो अभी जो है अक्का बड़ी आती है तो फिर निकलते हैं, और इतना टाइम लगा मेरा होने वाला है, और ये निकलने का नाम है शाम के, हमें इन्होंने टोपियाँ कराई हैं कि निकलते हैं निकलते हैं निकलते हैं। चलो चलते आग, हाँ कबड्डी ने लेट कराई है हमें, हमें बोली थी 5 बजे जाएंगे, हाँ बोलती 5 बजे जाएंगे 5 बजे जाएंगे, और देखो ये है 5 अक्का के, मतलब शाम हो रही है। सो मम्मा जो है अपना जो है फ्रेश वगैरह कर रही हैं, सो फिर हम लोग निकलते हैं। बंदा है ना, इस बंदे ने हमें आज इतनी लेट कराई है ना, ये बोलती है मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल हूँ। ये देखो गुलशन, ये इरफाना गल कर, इधर पानी नहीं आ रहा साड़ा, इधर पानी टैंकी में कट ही नहीं, ये हमारा पूरा कुंभा खड़ा, ये मेरी मम्मा जी, आज तो भाई ब्लू ही चारों तरफ, रात में ब्लू, शाम में ब्लू, दोपहर में ब्लू ही ब्लू। चलो यार फाइनली हम लोग बैठ ही गए गाड़ी में, रवाना हो गया, बड़ी मुश्किल से है मैंने की मामा ने इतने पसीना है, क्योंकि गर्मी शाम में भी इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। एडम चला क्या? एडम का क्यों मूड ऑफ है? शर्ट की वजह से, क्योंकि मैं अपनी फेवरेट शर्ट, एक ही शर्ट कौन जगह बस लाइनिंग वाली, हर व्लॉग हर वीडियो हर व्लॉग हर घूमने वाली जगह पे एडम ने एक ही शर्ट, लोग सोचेंगे इसके पास कपड़े नहीं है, कपड़े बहुत है लेकिन ये पहनता नहीं है, पापा पे गया बीट है एडम सुनता नहीं, पापा पे गया वो पापा भी इतने कपड़े एक पहन, मामू है मामू डालू और आंटी याना का नहीं है एडम का, और अब जो है हम लोग जल्दी जल्दी पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर आपको खुशी होती है बाज। हम जो हैं हम सारे बच्चे पहुंच गए हैं, मतलब बच्चे बड़े जो जो गाड़ी में थे रिक्शे वाले जो हैं सारे अंदर पहुंच गए होंगे, हम लोग पीछे, ये मुझे मैंने ये जगह लड़कियां कहाँ हैं, अभी पीछे रह गए, कहाँ है लड़कियां, हाँ बोरिंग पीछे, इतनी ओवर है ये बहुत हद से ज़्यादा ओवर। सो मैं पहली तो मुझे ऐसा लग रहा है पहली तो ये रही हमारी दूसरी आवाम, दूसरी पलटी, ये जो है यहाँ से वो देख रही है बैंड वगैरह जो छोटे फिर पहना इनको, इनको छोड़ के आओ गजरों वाली दुकान, ड्यूटियाँ लगवाओ इनको जिनको चार चढ़ी, गजरे बनाए जा हम लोग ने 150 में से 100 का लिए इतनी, मतलब बाहर की मतलब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास बार्गेनिंग भी करना सीख गए हैं भाई, बार्गेनिंग करना भी सीख गए, सारी बात सुनाएंगे भाई, हिसाब किताब ही चल रहे हैं भाई, ले लो सब ने किन्ने झूले ले, चलो चलो जाओ तुम लोग बहुत पढ़ के मेरा और दिल, ये लोग गए सारे झूले वूले वो बैंड पहनने, तूने भी पहन लिया बैंड, मुझे तो जो वैसे लेना होगा एक दो झूला वो मैं वैसे ही ले लूँगी, बैंड पहनने का मेरा कोई मूड नहीं है। ये देखो इसने भी पहन लिया, इसने भी पहन लिया, ये सारी राइड्स जो है इसके ऊपर लिखी हुई हैं।
है, मैंने गजरे इनके पहन लिए बच्चों के, इन्होंने जो है गजरे वजरे खरीदे थे, एक अम्मा ने पहन लिया, एक अम्मा ने पहन लिया गजरा और एक मैंने पहन लिया। तो अब हम सारे जो हैं ये अंदर एंट्री कर रहे हैं। चलो 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 चलो, ये लोग तुम लोग भी आ रहे चलो आज झूले लिए भी जाएंगे बारह राइड एक को ही लेंगे। टिकट किसके पास है? आ जाओ जल्दी, अब पूरी रात बच्चों तुम लोगों ने इधर ही रुकना है, बता दो। अंदर भी घूम रहे हैं, आ जाओ चलो अंदर। गप्पे वगैरह हम लोग मस्तियाँ करेंगे, हम लोग की अलग इंजॉयमेंट होती है और इनकी अलग इंजॉयमेंट होती है। मां मेरे हाथ में गजरा कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हम दोनों माँ बेटी ने गजरे पहने। सो फाइनली हम लोग ने एंट्री कर ली। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं कभी नहीं आई यहाँ पे, मैं मतलब फर्स्ट टाइम आई हूँ, बचपन में आई होंगी कभी। कहाँ मुझे वही चाहिए, मैंने बस वही लेना था उस झूले से, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो झूला। सो यादें बहुत मेरी उस झूले से हैं और मुझे वो लेना है। यहाँ की यादें नहीं है, हम लोग PF में लेते थे वो वाला झूला, तो हम सारे बच्चे एक ही साथ ऐसे बैठते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो अभी जो है मैंने कहा बस मैं लूँगी, लेकिन एक वही वाला लूँगी झूला, और मैंने कोई नहीं लेना, और मुझसे तलिया नहीं। अगर मैं एक दो जो है एक दो झूला लूँ तो मैं बेहतर होती हूँ, जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया वहाँ मेरी तबीयत डाउन। हाँ जो हम लोग कुछ खाते पीते तुम लोग झूले लो बच्चा। मैंने और मेरी मम्मा ने देखे कि वहाँ पर थोड़ा सा फूड कोर्ट वगैरह है, सबने कहा हम लोग खाना पीना करते हैं, हम लोग खाने पीने वाली इंजॉयमेंट करते हैं और ये झूले भी ले लेते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या खाना है और क्या लेना है। कि ये सिस्टम क्या है, एक चीज़ यहाँ से मिलेगी, एक चीज़ वहाँ से मिलेगी और एक चीज़ वहाँ से मिलेगी। अभी जो है यहाँ से पहले हम लोग लेंगे कोल्ड ड्रिंक, फिर हम लोग वहाँ से स्पाइरल लेंगे, फिर हम लोग पानी पूरी, ऐसे हमने चीज़ें जो है सारी जो है मैं इधर से स्पाइरल कलेक्ट करनी है। इधर जो है मेरी स्पाइरल बनाई, मैंने इनको बोले मेरे लिए ना थोड़ी सी सॉफ्ट वाली बनाए, क्योंकि मुझसे हार्ड वाली खाई नहीं जाती और मैं हार्ड वाली खाती हूँ। देखो बस ऊपर तक जा रही हूँ, माय गॉड ऊपर से नीचे मम्मा कहाँ है, बोली मम्मा मम्मा। सो अभी जो है मम्मा का वेट करते हैं, मैं इधर अपनी स्पाइरल का वेट करती हूँ जब तक भी स्पाइरल बन जाती है। 5 मिनट्स का बोला है इन्होंने, देखो 5 मिनट्स ही लगते हैं या 10 मिनट्स लगते हैं। मना तो रहा है मेरे सामने, ज़रा जल्दी कर दें। तो हमें जो है अपनी स्पाइरल ले ली है और मम्मा ने अपनी पानी पूरी, और कबड्डी भी आई थी आपका पूछने, वो रही है कबड्डी, वो रही है। चलो ये लोग जो हैं, ये लोग अपनी चीज़ें वगैरह ले रहे हैं। ओह माय गॉड इतना ज़्यादा शोर। तो हम लोग चलते हैं और खाते पीते हैं। लोग हमें यहाँ पर ही मिल गए, कबड्डी जो अपने बिल वगैरह अपनी चीज़ें कलेक्ट कर, गोलगप्पे खाए, हम कालू को भेज रहे जाओ ज़रा लेकर आ, ये हमारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये चीज़ें खाते हैं। कोई बात नहीं, इनका खाना पीना चल रहा है, गोल गप्पे चारों तरफ। मामू चाय पी रहे हैं, मम्मा बोली कि गोल गप्पे अच्छा मैंने नहीं खाया, खट्टा खट्टा इतना था और गला ख़राब हो जाना। तो ये अक्का बड़ी खा रही है, बाद में अपना अंजाम याद रख लेना, मेरी मम्मा ने तो आपको आगाह किया था कि खट्टा बहुत है, गला ख़राब हुआ तो फिर हमें ना बोल। नहीं मुझे पता क्यों भी ज़्यादा हुआ था, क्योंकि वो जो टप था ना बाल्टी टप था, तो टप सब का पानी जो उसमें डाल देते मटाई हाई, इतनी गंदगी से हाइजीन, बिल्कुल हाइजीन मेंटेन नहीं होने की। मैंने तो अच्छा शुक्र है स्पाइरल ली लिया, फ्राई होके तो वैसे भी बच्चों के पास जा रहे हैं देखने के हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन कौन से राइड्स ले रहे हैं और क्या क्या तफरी कर रहे हैं। अगर वो
वो लोग भी मेरे वाले किसी मतलब के झूले में बैठ रहे हैं तो मैं भी इनके साथ बैठ जाऊंगी। टिकट लेकर चलते हैं अपने बच्चों के पास। किधर है हमारे बच्चे? कौन सा झूला लेजिल नहीं होती? लेजिल लेजर से एस्केप करना होता है जैसे मूवीज में नहीं होता है। मूवी में इसमें जैसे तारे लेजर आ जाते हैं इधर उधर फैल जाए उनसे बच के आगे जाना। मैं पता वो बोल रही हूँ वो वाला झूला लेते हैं जो ऐसे खुल के नहीं ऐसे ऊपर जाता वो आओ आ जाओ चले हम आ जाओ बच्चों वो वाला झूला लेते हैं जो खुल के सुनो सुनो हाँ ये बस गोल यार चक्कर उल्टियाँ आएंगी। मैं ये बोल रही हूँ कि वो वाला झूला लेते हैं जो खुल के ऊपर तक चला जाता है वो एलिफेंट वो वाला ने मुझे लगा वो वाला बोल ये तो बच्चों हाँ मजा आएगा आसमान पे चल के वीडियो इतनी अच्छी रीले बनेगी पागल पागल इतना खतरनाक गोल गोल घूमने वाला मैंने नहीं लेना इतना खतरनाक बंदे को उल्टियाँ ही आती है बंदा झूला ले ले अपनी जान को जाप लगा था यार जो जाना मैं इतना खतरनाक हो गया मुझे थोड़ी नॉर्मल नॉर्मल वाले कैटेगरी वाले झूले पे इलाइजा मैं वो वाला एलिफेंट वाला बोल रही हूँ जो ऊपर नहीं जा रहा वो देख ए मेरी बात सुनो ए मेरी बात सुनो तुम लोग कौन से ले रहे हो रोलर कोस्टर रोलर कोस्टर ए वो वाला ले वो जो ऐसे गोल वाला वो बना हुआ स्पेस स्टेशन ये वाला अंदर चार लोग बैठे बच्चों वाले ये तो बहुत छोटे बच्चों वाले ये तो इसके लिए तो हर चीज बच्चों वाली अब तो जा बड़े वाले अमेरिका जा वहाँ पे बहुत खतरनाक झूले मेरे मतलब के ओवर एक्टिंग ड्रोजिन का ड्रैगन और देखना चलता कितना ड्रैगन फजूल ही है मैंने देखा देखना कितना स्लो स्लो चलता क्या है बताओ किधर है वो लोग गायब कहाँ गायब वो लोग कहाँ है मुझे तो नहीं नजर आ रहा है ही नहीं इधर इधर कहाँ उधर तो नहीं लगे मैं वो देखो ए मुझे सच्ची बताओ तुम लोग लेने हाँ चलो मैं नहीं ले रही बाद में मर मर गई तो इतनी मेरी जायदाद इतनी मेरी प्रॉपर्टी है मैं तो किसी के नाम भी नहीं करके आई मानी चेयर ले ली किसी से लाइजा तेरा फेवरेट है ना नहीं वो खड़ा था ना गिर जाते थे एक ही रूम में बैठे थे मैं थोड़ी खड़ा था यार मेरे पे कहाँ से बात आ जाती है कहाँ से बात आ जाती है यहाँ से आ जाती है इसको इधर डांट पड़ रही है मतलब डांट और मेरी मम्मा खाने में मसरूफ है सारे अपनी मस्तियों में मगर मेरी माँ सिर्फ खाने पीने में जरा टेस्ट कराना कैसे है ये तो अंडे वाला है क्लब से झूले के लिए हाय हाय ये रहा इसका क्लब सैंडविच ये मेरे से ले छोड़ गाइस ये देखिए आप लोग बोलते हैं ये हर वक्त नाराज रहती है ये नाराज नहीं है गाइस ये नहीं नाराज होती इसका मुंह ही ऐसा है ऐसे इसका नाराज इसका बात करने का स्टाइल और इसका मुंह ही ऐसे नाराज ही रहता है मैंने देख मैंने तुझे कवर कर लिया मैंने कहा मैंने तुझे कवर कर लिया कुत्ता हमेशा ऐसे ही है इसको तन्हा छोड़ जाते हैं नहीं तो लेकिन ये तो गलत बात है ना फिर फायदा क्या ऐसी कजन्स का जिन्होंने अच्छे वक्त में काम ही छोटी सी बहन है अकेली कजन हाँ ये तो कोई साइज का भी नहीं है ना भाई तू रख ले साथ मम्मा बहनी को खुश कर रही है
गाइस हम लोग ये भी रिकॉर्ड कभी तोड़ेंगे कि कहीं ये परंपरा टूटेगी, बहनी नाराज नहीं होगी किसी दिन, एक दिन ऐसा आएगा जब बहनी 16-17 साल की हो जाएगी ना, फिर ये दिन आएगा। क्या हुआ? मैं नए कजन मांग दी रही ना, मम्मा भी ले आ सकते। रेहाना आंटी ब्लश कर रही है। रेहाना मामा को बोलो छोटी बहन ला, एंजल की छोटी बहन आ जाए। वक्त ये देखो, ये गोल गप्पे इनके चल रहे हैं। सिर्फ खाते ने ना खा, इन्ने गंदे टापे च बनाने। हाँ मैं तेन भी नहीं पीन दिता, मेरा दिल ही खराब हो गया। और टापा लग रहा है, वो देखो पैर खा रही है। ना ना मैं दिलवा दूं, आप दिलवा दो, नहीं तो बच्ची ने अपनी नस वस काट लेगी बैन के चक्कर में। बैन के चक्कर में अपनी नस वस ना काट, झूले के चक्कर में। जान को बुला के लाओ, मुझे तो नहीं नजर आ रहे। चले मामा, मामा चले चले, ये बातें बातें। चलो अब हम जो है इनको बच्चों को इकट्ठा करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे, फिर हमने खाना भी खाने जाने। टाइम वैसे ही 10 बज रहे हैं। इन्होंने बस मेरे ख्याल से इंतजार ये करना है कि वो मैं धक्के मार के यहाँ से निकालूं, और कुछ भी नहीं। तो बच्चे ये देखो जाई जा रही है, जाई जा रही है। नहीं तो चलो 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 वो लोग भी ले रहे। अब एक को ढूंढने जाते दूसरा उधर बैठ जाता, एक को ढूंढने जाते दूसरा घूम जाए। अब देखो तीनों इकट्ठी चल रही है यार, पागल है यार। सीढ़ियों से यहाँ से गिरने वाली थी मम्मा, इनकी बेइज्जती करना ऐसे सीरियस मूव बना के, सीरियस मूव बना। जल्दी करो ना, जा जल्दी अंदर कुंडी में भाग के इनको कुटते तो नहीं पकड़ के। ये देखो इनकी शक्लें अब देखो, मम्मा बहुत गुस्से में है मैं बता रही हूँ। ये क्या करंट लगता है यहाँ से? नहीं लेजर, ये नहीं अंदर से उनको अक्का लोगों को बोलो बस निकल। हाँ बोले यहाँ से ही डायरेक्ट निकलते हैं, जानते भी लिए तो ले लिए हम मम्मा। आपने आपने इन पे नरमी बहुत बरती हुई है, इन पे सख्ती करो। चल दफा खाना, ताकि अब नहीं मदर्स डे पे इनकी हो रही है बेइज्जती, वो भी अच्छी खासी। इधर अभी लोगों में खड़े होकर अपनी मिट्टी प्लीट करा रहे हैं। मेरी मम्मा बहुत ज़बरदस्त किस्म की बेइज्जती करती है, इसकी भी हुई है, इसकी भी हुई है, और एंजल की भी हुई है, और आयजा की और एडम की तो ज़बरदस्त वाली है ना मम्मा। ब्लैक में बेचेंगे, ब्लैक में बेचे चालू हर कितने इधर किसी को बच्ची को समझाने को चाहिए बोली बेच दे, इसलिए कह रही हूँ बेच दो क्योंकि हमने जाना दे रहे हैं। वो देखो टिकट ये तुम लग दीजिए, इसे पूछो ब्लैक में टिकट्स बेच रहे हैं यार, कितने तेज है। ये देखे ब्लैक में मेरी माँ टिकट एक बेचती है, एक नहीं बिकी, एक नहीं बिकी, एक बिकी, चलो बाकी भी बिक जाए। मम्मा आप बच्चों को समझाने के बजाय आप भी देर हो रही है, देखो जरा ऐसी मम्मा मिलेगी कहीं जो साथ में टिकट बिकवाती। अभी उनको बुलाने में मेरी अम्मा ने ब्लैक में टिकट्स बेच दी, दो बेची तीन बेची दो। गोलगप्पे कैसे आप लोग ने खाए? खाए लेकिन बहुत बहुत ही वो थे, एक बच्चा ले नहीं रहा था टिकट, एक सोचे एक बच्चा ले नहीं रहा, जान इसको बोलती है ले लो उसके कौन से टिकट वाले ने तुझे साथ ऑस्कर अवार्ड देने। अच्छा मेरे पास उनको बहुत गंदे नहीं खाने। हाँ गोलगप्पे उसकी चटनी इतनी ज़्यादा वो अजीब सी है, उसने पैसे ये देखो मम्मा आपने पार्टी बदल ली वैसे मैं देख।
ये देखो अब बैनी घूम गई, एक को जमा करो दूसरा चला जाता है, दूसरे को जमा करो तो पहले वाले चले जाते हैं। हम तो लोग इकट्ठे कर कर इनके चक्करों में आज खाना भी रह जाएगा। 11 बजे तक वो बंद हो जाएगा रेस्टोरेंट और हम कहाँ जाएंगे, हम बाहर तो नहीं बैठेंगे। अब देखते हैं क्या, और अब बैनी भी नहीं मिल रही यार, बैनी भी घूम गई, बैनी की अम्मा बैनी को ढूंढने गई। खाना ले लेने हार तो घर जाके खा लेंगे और की करिए फिर। दूसरा ऑप्शन तो 11 बजे बंद हो जाने, हाँ अद्धा घंटा उन्होंने लेंदे ने हम इतो जो 11 बजे पहुंचांगे उत्थे तो डाइनिंग कैसे करेंगे उधर, है ना टेक अवे कर सकते हैं। गुस्सा मुझे आ रहा है, पहले मैंने ब्लैक में 2 टिकटें भेजी हैं। हम लोग कब से इनका वेट कर रहे हैं और बहनी का कोई अता पता नहीं है, बहनी जो है गायब हो गई है, पता नहीं बच्चे उनको गए ढूंढने, कोई इधर गया है कोई उधर गया, सब डिफरेंट डिफरेंट जो है डायरेक्शन में गए हैं बहनी को ढूंढने। उसकी मम्मा की तो जो है सीटी बीटी गुल हुई है, लेकिन इतना छोटा सा पार्क है कहाँ जाना है उसने, इधर ही होगी किसी झूले, मुझे लगता है मैम शाजिया लोग के साथ होगी क्योंकि वो बैठे थे ना झूले पर। अब देखते हैं क्या सूरत हाल, अभी तक तो नहीं कहीं दिख रहे ये लोग। देखो बैनी मिल गई फाइनली, बैनी आगे जल्दी जल्दी ऑर्डर दो, मैंने ले क्या नहीं है वो रिक्शे वाला तो रॉन्ग रूम में गलती है। आप खुद बोलना चाहिए गलती किसकी है, प्लीज ये गलती जो है पता नहीं किसकी है लेकिन गलती है। कैन रखे ओ माय गॉड, गलती पता नहीं किसकी है लेकिन गलती है। मुझे आज की ताजा खबर, दो नंदों ने कैसे लूटा गाला कर दिया। आप क्या बोलना चाहेंगे, मैं ये आप इंतहाई जलील इंसान हमारी तारीफ में। मैम प्लीज दफा हो जाए आप, इतनी जो है हम लोग सारे निकल गए हैं, ये रह गए सारे, ये देखो सारे हम लोग जो हैं सारे निकल गए, हम लोग बस जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या सीन है रेस्टोरेंट का, आई डोंट नो क्या होगा। पहुँच गए कबाब जी, लेकिन इतना कबाब जी फुल हुआ है, फुल भरा हुआ है जैसा कि आप लोग को पीछे देख ही रहा होगा। बड़ा हम लोग चल चल के आए कि बंद ना होता है, लेकिन शुक्र है ये लोग भूख और ये रहे अम्मा लोग और मामी लोग आ रहे हैं अंदर। सो अब हम लोग ऑर्डर करते हैं उनके आने से पहले, देखते हैं। हाँ टेबल साफ करवा देते हैं और सीट्स भी इधर लगवा देते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो है ऊपर सेटिंग कर लें, लेकिन ऊपर सारा फुल हुआ, आगे हमारी दूसरी पार्टी। तीन मैं इनको यही बोल रही हूँ कि अपना घर ही समझो, क्या अपना घर है वहाँ से करो खाना। और तू जितना ओवर ओवर हो रहे हैं, ये देखो हमारे सारे बच्चा। अब ये टेबल यहाँ पे लगाएंगे तो हम लोग सारे जो है आराम से आगे आगे। हम लोग बहुत गर्मी में जो है तब पे आए हैं, सो अब जो है रिलैक्स थोड़ा अभी टेबल उस पे जाओ बैठ के जाओ, ये अपना घर समझो, उठा के ला दो बहुत शोर से दूर। एक एक बच्चों मुझे भी एक चेयर दे दो जरा अरेंज कर दो प्लीज। फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, अब क्या है हम लोग ऑर्डर वगैरह करें। और ये हमारी पार्टी को हमने इधर बिठाया हुआ बच्चा पार्टी हम सब जो है अभी ऑर्डर करेंगे, हमने डिसाइड
डिसाइड कर लिया कि हमने क्या क्या करना है. ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब लिखवा रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं सारा कुछ. और इनकी गेम्स चल रही हैं ऐसे, जैसे पता नहीं घर से वो अपने घर वाला फुल माहौल बनाया हुआ है. इनका बस नहीं चला कि घर से डायरेक्ट बिस्तर मंगवा लें कि हम यहाँ पर ही स्टे करें. जब तक हमारी लाइट आ रही है हम घर जाके आराम से सो के सो जाएंगे. हो रहा हमारा उस साइड पे जरा हट्टा हाथ हटा रहा है उधर जो है, उधर हमारे लगे हुए पिज्ज़ा भी आएंगे क्योंकि हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा है ऑर्डर, तो इसलिए आने में भी ज़्यादा टाइम लगा. So this is one pizza and ये pizza एक है, उधर पड़ा है pizza. पागल हो गए सारे बच्चे, हम खरीद से crazy हो गए guys, crazy. ये मुझे भी एक check करवाना, ये मुझे भी एक creamy वाला check करवाना. यार क्या बच्चे हैं यार, यार इस सुन एक मुझे भी check करवाना. अच्छा आप लोग भी हमें सारे चेक सही है. देखो इनको कितनी भूख लगी, पकड़ पकड़ के खा रहे हैं. ये लो बच्चों, ये लो. चलो एक ही प्लेट में रख लो ना, क्या हो गया. तीनों एक प्लेट में खा लो, चारों क्या हो गया. तो बोलो हम चार लोग लग रहे हैं. और प्लेट्स बोलो लेकर आओ, अभी और लेकर आ रहे हैं. तो अभी हमारे साथ साथ रोस्ट खाना आता जा रहा है और साथ ही मैं बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत है. साथ साथ खाते जा रहे हैं, साथ साथ आता जा रहा है खाना, साथ ये लोग भी साथ साथ खाते जा रहे हैं. दे दो किसको देना, बस यही था, और भी था ना, और भी था ना, ये यही था बस. मलाई मलाई टिक्के मलाई टिक्के भी थी, दो बर्गर ये इथन और बैटर के. अम्मा बोली हमें सिर्फ मामिर खान से दावत चाहिए और हमारे किसी से कोई लेना देना नहीं. इतना लाउड लाउड बोलते हैं होटल में भी. अच्छा एड ऑन ड्यूटी फोन पे बात हो रही है उस बच्चे पर्सनल कॉल आ जाती है. मेरी बात सुनो, आपके पापा सही बोल रहे थे, बोलते आपके अब्बू थोड़ी इन्होंने हमें खाना इतना लेट सर्व किया, एक एक चीज इन्होंने हमें सर्व की है, प्लेट्स बाद में ये वो, मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटिंग इनकी जो है सर्विस है, बहुत कह सकते हैं कि बहुत बेकार और बहुत डिसअपॉइंटिंग था सारा कुछ. और एडम को इतना एहसास, इलाइजा को एडम को प्यार इतना आ रहा है उस बच्चे पे. साफ सफाई अपनी कोई मेंटेन रखनी चाहिए. हाँ बाहर के बोलते नहीं. अच्छा ठीक है, पापा क्या बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं नहीं हूँ आपका पापा. इतनी तुम लोग साइड इसकी ले रहे हो. इलाइजा कॉल आ रही थी अभी, इलाइजा कॉल आ रही थी, इलाइजा कॉल आ रही थी. रात तक रात तक इस बच्चे की हेल्प करना. अच्छी बात नहीं, अच्छी बात की. नहीं बस सारे सौ सौ दे दो, बाकी इसको
जाके उसको पैसे देना बस अभी बात हो रही कि इस लड़के की तरफ कौन है और मामू की तरफ कौन है मामू की तरफ कौन है कोई भी नहीं मम्मा भी है अभी उसी तरफ ये नहीं लेके जाऊंगा बेटा और मामू बोले तुम लोग को 300 रुपए दूंगा बर्तन वगैरह धुलवाना आराम से 2-3 बजे तक आ जाओ कोई इशू नहीं सही है मामू को बीट नहीं मैडम लेकिन अभी भी कोई इसकी गलती नहीं है बच्चे ही वो बच्चा बेचारा मासूम है ये तो 3 बजे तक क्या मिलेगी 3 बजे तक आराम से रिलैक्स हो गया ना मलाई दिखे बस इतनी माशाल्लाह मलाई डाल दी उन्होंने उन्होंने कि अब किचन में ना लेकर आ जाए मलाई नहीं अंदर मलाई टिक्के में मलाई चीज नहीं अच्छी वेटर अच्छा है अंकल भाई भाई बच्चे है वो तुम लोग 1-2 साल वो है बच्चा बच्चे ने बहुत काम किया और मान भी पेश कर हमारा खाना वाना जो है सारा कुछ खत्म हो गया है डन हो गया खावा दिया और फिर सब्जी भी सारी चली इन्होंने तो टेबल भी ऐसे साफ कर दिया जैसे इन्होंने कभी खाना खाया ही नहीं ऐसे ही बैठे रहे गए हैं बाहर सो इसके अंदर रात के बज रहे हैं 1 अगर आज का ब्लॉग ये सारा हमारा मौज मस्ती वाला एंजॉयमेंट वाला आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक कमेंट शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग Bye-bye. You know.